योगी ने युवाओं के लिए एक झटके में पलट दिया आदेश, बना दिया नया कानून। योगी का आदेश देखकर झूम उठे उत्तर प्रदेश के युवा। अग्निवीरों पर योगी का ऐतिहासिक ऐलान, अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में जवानों की होगी बल्ले बल्ले। अग्निवीर जवानों के लिए यूपी और एमपी सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण, जानिए कब मिलेगा इसका फायदा। जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए खजाना खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि यूपी में अग्निवीर को आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर जवानों को यूपी में पुलिस और पीएससी में आरक्षण मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर की योजना युवाओं में एक उत्साह है और कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराएंगे। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर योगी सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे अग्निवीरों को अब यूपी में निकलने वाली पुलिस और पीएससी की भर्ती में छूट मिलेगी। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अफसोस है कि बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है, इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता। इससे पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% पद आरक्षित करने का फैसला किया था। हालांकि विपक्ष इस पर अभी हमलावर है और विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। आपको बता दें, साल 2022 के जून महीने में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान किया गया और उनमें से 25% को 15 और वर्षों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान किया गया। जैसे ऐलान किया गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। सरकार ने कहा कि हम तो युवाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे युवाओं के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है, हम तो उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। विपक्ष सड़कों पर उतर आया, कहा कि इससे सेना का अपमान होगा, इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, युवाओं के साथ इससे और ज्यादा गलत नहीं हो सकता, किसी भी युवा को अग्निवीर नहीं बनना चाहिए, इससे उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और सरकार को इस फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अपना ये फैसला और अपनी योजना जारी रखी। हालांकि विपक्ष ने कहा था कि अगर उसकी सरकार आ जाती है तो वो इस योजना को आते ही खत्म कर देगा। हालांकि इस मुद्दे पर राल भी बहुत छिड़ी, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार अभी अपने फैसले पर कायम है। ऐसे में आप बताइए, योगी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।